दुर्ग के गुप्ता नर्सिंग होम में लेबर पेन के बाद पहुंची महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से आक्रोशित परिजनों ने नर्सिंग होम संचालक वंदना गुप्ता पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया, जिसकी सूचना मिलते ही दुर्ग तहसीलदार सहित मोहन नगर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। दुर्ग के गुप्ता नर्सिंग होम में शुक्रवार की सुबह उस समय हंगामा हो गया जब लेबर पेन के बाद पहुंची महिला की मौत की खबर नर्सिंग होम संचालक ने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। दरअसल मामला गुरुवार की रात 12 बजे गर्भवती माधवी श्याम कुमार को लेबर पेन की शिकायत पर गुप्ता नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, लेकिन नर्सिंग होम संचालित कर रही डॉक्टर वंदना गुप्ता ने केस की गंभीरता को समझते हुए भी मौके पर पहुंचना जरूरी नहीं समझा और नर्सों के माध्यम से फोन पर ही इंजेक्शन लगवाने की हिदायत दे दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि इंजेक्शन लगाने के बाद महिला को सांस लेने में शिकायत होने लगी और चंद घंटों में ही उसकी मौत हो गई। इस पूरी घटना में डॉक्टर की भूमिका संदिग्ध लगने के बाद परिजन मृतक माधवी श्याम कुमार की मौत के लिए अस्पताल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यहाँ उसका सास बोल रहा था, इस वजह से उसको लेके आया मैंने 12:30 बजे 1 बजे के आसपास। यहाँ नर्स लोग मुझे नहीं थे, पर मैंने खटखटा के खुलवाया, उसके ऊपर भर्ती करवाया और 2 बजे तक नॉर्मल थी। मैं उसका सास पर चढ़ रहा था, उतर रहा था, ये नर्स लोग पूछ रहे थे क्या लगाऊँ क्या नहीं लगाऊँ। मैडम को जब इनको बुलाना चाहिए, सीरियस केस है तो ये मैम को नहीं बुला रहे और मैडम आ भी नहीं बुला रहे, अच्छे उसको ये आग देख ले कर ताकि क्या हो रहा है पेशेंट। तो उसने नहीं आया, वो 5 बजे 5:30 बजे आया। अगर वो मैडम 2 बजे तक, जैसे कि मैं 1 बजे भर्ती किया, अगर वो 2 बजे तक भी आती तो आज मेरी बीवी और मेरे बच्चे हुए, तो बच्चे भी चले। और क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ सर, ये डॉक्टर है अच्छे रहें, किसी के बच्चे किसी की माँ ऐसा तकलीफ में ना है, उनको सर्विस दें अच्छा। आज मेरे का है, किसी और के जाएंगे, आप उसे अच्छा सर्विस दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम भी नहीं चाहते किसी का हॉस्पिटल बंद हो, पर अगर आप ऐसा लापरवाही काम कर रहे तो हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। किसी और के भी बच्चे हैं, किसी की और भी माँ है, लोग भी, मैं भी शिकायत सुना हूँ, एक प्रकाश गूगल रिश्ता वाला है, उसके भी बच्चे को ऐसा है जिसने खराब की थी और वापस उसको सरकारी अस्पताल भेजी IMI चौक में, उनका वो है गूगल रिश्ता करके, वो भी बताया मुझे हॉस्पिटल ठीक में। हमारा पहले से ट्रीटमेंट चल रहा था घर के, मैंने यही लाया, मुझे पहले पता रहता अगर नर्स मुझे बोल देती यहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है आप दूसरे जगह दिखाओ तो मैं दूसरे जगह चल देता, आज मेरी बीवी और मेरे बच्चे जिंदा हो गए। महिला डॉक्टर वंदना गुप्ता की लापरवाही की शिकार हुई है। जहाँ तक कि मेरे को जानकारी मिली है, रात में 12:30 बजे में उस बच्चे ने, सिद्धार्थ ने, उनको लेके आया यहाँ पर, उसको लेबर पेन हुआ और इस शिद्दत से लेबर पेन हो रहा था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लास्ट में उन्होंने क्या किया, डॉक्टरों को बुलाने के लिए अप्लाई किया नर्सिंग के माध्यम से। कंटिन्यू नर्स 4 से 5 बार 6 बार सुबह 4 बजे तक कंटिन्यू नर्स उनके पास जाती गई और यथावत स्थिति के से उनको अवगत कराते गया। डॉक्टर की अपनी लापरवाही थी या वो नींद में थी पता नहीं, लेकिन मैडम यहाँ पर आई, जिसके कारण आज देख रहे हैं आप बच्चा और वो महिला दोनों मृत पाई गई और वो घोषित उन्होंने 5 बजे आकर के किया। सिर्फ मृत घोषित करने के लिए वो आया, ना कि वो हॉस्पिटल संस्था के संस्थापक हैं, वो एक बार भी यहाँ पर आई नहीं, बस वहीं से इंस्ट्रक्शन देते गई कि ये लगा दीजिए वो कर दीजिए इंजेक्शन लगा दीजिए, पता नहीं क्या अननेसेसरी उन्होंने ट्रीटमेंट लगाया या उन्होंने अभी क्या चाहते हैं, कैसा इंस्ट्रक्शन दिया जिससे आज वो मौत के घाट उतर गए बच्चे। इनकी पूरे हॉस्पिटल संस्था की लापरवाही है, ये सिर्फ हॉस्पिटल संस्था मेरे को जहाँ तक समझ में आता है ये पैसों के लिए व्यापार कर रहे हैं। ये आज हम डॉक्टर को एक भगवान का रूप मानते हैं, भगवान का रूप तो पता नहीं कहाँ चले गया, ये सिर्फ व्यापार करने बैठे हुए हैं। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए परिजनों के द्वारा गुप्ता नर्सिंग होम के संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाने के बाद पुलिस ने इस मामले में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और परिजनों के द्वारा जताई जा रही तमाम संभावनाओं को लेकर अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष दुर्ग जिला तहसीलदार प्रकाश सोनी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जानकारी मिली है कि जो गुप्ता नर्सिंग होम है यहाँ पर महिला की एक प्रेग्नेंट लेडी थी माधुरी करके, जिनको रात के 1:30-2 बजे आसपास लाया गया था और जिसके की इलाज के दौरान यहाँ मौत हो गई है। इसमें जो डॉक्टर थे उनके ऊपर जो परिजन है उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उसमें जांच में लापरवाही की गई और उनके द्वारा एक आवेदन भी दिया गया है सेम बच्चे के नाम से और
इसके बाद डिप्टी कलेक्टर महोदय को भी दिया गया है कि इसमें निष्पक्ष जांच कराई जाए कि किनके द्वारा इसमें लापरवाही हुई है, और पत्र प्राप्त हुआ है इसमें निस्संदेह उसमें जांच कराई जाएगी, और जो भी अगर इसमें लापरवाही पाई जाती है या किसी प्रकार से विरुद्ध इलाज वगैरह हुआ है तो उसके संबंधित ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, शासकीय स्वास्थ्य विभाग से कोई इसमें आया नहीं है अभी। इसमें जो भी नवविवाहिता महिला होती है, यदि उसकी डेथ हो जाती है तो उसमें होता है कि एक मजिस्ट्रेट के सामने उसकी सौ पंचनामा होती है, तो मैं उसी जांच में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रूप में आया हुआ हूँ सौ पंचनामा करके। उसके बाद इसमें पीएम जब होगी तो उसमें जो शासकीय अमला है उसमें पीएम भी करेगी। दोष पाया जाता है जो भी इसमें मेडिकल के आधार पर जो भी इसमें प्रावधान है उसके अनुसार कार्रवाई होगी। मृतक के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक महिला का लगातार इसी नर्सिंग होम के माध्यम से लेबर ट्रीटमेंट जारी था और किसी किस्म की कोई परेशानी भी नहीं थी, लेकिन जब गुरुवार की रात में दर्द बढ़ा तो नर्सिंग होम पहुंचने के बाद सभी जिम्मेदार डॉक्टर ने अपनी लापरवाही दिखाते हुए लेबर पेन से तड़प रही महिला की अनदेखी की, जिसका नतीजा यह हुआ कि माँ और बच्चा दोनों ही आज इस दुनिया में नहीं रहे। इस संबंध में स्थानीय नागरिकों ने भी अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम के समक्ष व्यक्त की है। ये मामला कल रात भी है, एक हमारे परिचित के भाई हैं जिन्होंने यहाँ उनकी ट्रीटमेंट उनकी वाइफ का यहाँ चल रहा है, शुरू से यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कल रात को उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी, जो लेडीज और जिनका बच्चा खत्म हो गया यहाँ भर्ती हुई थी, तो यहाँ 12:30 बजे भर्ती हुए हैं, और यहाँ लाने के बाद इन्होंने डॉक्टर से भी कॉन्टेक्ट किया है कि आके भाई मामला देख लीजिए आप क्या हुआ है इनको, लेकिन डॉक्टर साहिबा ने ना फ़ोन उठाया ना आने की उन्होंने वो दिखाई कि भाई उन डॉक्टर ने जब उनका ट्रीटमेंट शुरू से कर रहे हैं तो उनको आना चाहिए कि भाई पेशेंट को क्या हो गया। डॉक्टर का यही रहता है क्या कि सिर्फ आपने हॉस्पिटल में भर्ती करा लो या चेकअप करा लो, उनसे पैसे ले लो, उसके बाद आपका कोई जिम्मेदारी नहीं बनता क्या? अगर कल डॉक्टर साहिबा आ जाती तो मैं बोलता हूँ ये घटना नहीं होती। वो नर्सों के भरोसे छोड़ दिए हैं, यहाँ ट्रेंड नर्सें नहीं हैं जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, रात को अगर किसी को कुछ हो गया तो डॉक्टर साहिबा तो आने से रहेंगे क्या? नर्स संभाल लेंगे क्या? नर्स डॉक्टर हैं क्या? तो सिर्फ पैसे के लिए और आप मरीजों को यहाँ ले आते और उनको कुछ तकलीफ़ अगर कुछ ज़्यादा गंभीर तकलीफ हो गई तो आप नहीं आते रात में 2-3 बजे आपका आना फर्ज नहीं बनता। ये आप कैसी डॉक्टरी कर रहे हो, कैसी आपकी मानवता है? अगर आपने ये क्लिनिक या नर्सिंग होम इसीलिए खोला है कि पैसा कमाया जाए और किसी का दुख दर्द आप वो नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए रात के 2 बजे नहीं आ सकते तो बंद कर दो भाई। मैं यही चाहता हूँ कि इस जो मामला हुआ है, गंभीर मामला हुआ है, उसकी जाँच निष्पक्ष, यही साहब ने बोला कि निष्पक्ष जाँच होगी। अगर निष्पक्ष जांच होती है और उसमें किसी प्रकार के भी इनकी लापरवाही निकलती है तो यह क्लिनिक को तुरंत बंद कर देना चाहिए। इनके बारे में आगे भी बहुत कंप्लेन है, बहुत लोगों ने हमको बोला है कि भैया यहाँ बहुत ऐसी गड़बड़ होती है, बहुत लापरवाही होती है, तो हमारा यही मांग है कि अगर इनकी कोई गलती निकलती है लापरवाही बस, अगर वो माँ बच्ची बेचारे ख़त्म हो गए, अभी 1.5 साल उनकी शादी हुई है, उनके घर वाले के ऊपर क्या बीती होगी, ये क्लिनिक को तुरंत बंद कर देना चाहिए, सील कर देना चाहिए, और हम उचित मुआवजे की मांग करते हैं। डॉक्टर साहिबा को इनके मौत के और जो भी ख़त्म हुए हैं माँ बच्चे जो भी दोनों, उनका उचित मुआवजा तो उनको देना ही पड़ेगा। इस पूरे मामले में परिजनों के आरोप प्रत्यारोप के बीच मोहन नगर पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतका को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, जिसकी रिपोर्ट के बाद ही पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब देखना होगा कि पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस तरह की कोई लापरवाही को लेकर आए गए जिम्मेदार पर किस तरह की नकेल कसी जाती है और कार्रवाई की जाती है, जिसके बाद आने वाले समय में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।